हेलो एवरीवन, मैं जया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फिश। तो आप देख सकते हो, ये फिश को मसाले में ऐसे पहले अच्छे से मसाले में इसे मिला लेंगे। तो ये फिश ऐसे मार्केट से कट के आई है, तो इसे बस धो के और मसालों के साथ इसे लपेट लिया है और इसमें नमक, हल्दी और सरसों मसाला डाला है। तो इस तरह से आप भी बनाना, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसे फ्राई कर रहे हैं तेल में, तो इसे डीप फ्राई करके ऐसे निकालेंगे। तो ये देखिए, मछली बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी डीप फ्राई करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप मछली खाते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं खाते हो तो वीडियो स्किप कर देना। तो अभी मछली फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ये मसाले हैं। तो ये सरसों मसाला है, इसमें सरसों, लाल मिर्च, धनिया, गोल मिर्च पाउडर और जीरा। तो आप पाउडर भी डाल सकते हो या खड़ा मसाला, मतलब उसे आप पीस कर डाल सकते हो। तो मैंने इन सबको पीस लिया अच्छे से, और लहसुन भी लेंगे इसमें। तो सरसों, लहसुन, धनिया, धनिया पाउडर या धनिया, लाल मिर्च, जीरा, इन सबको लेके अच्छे से पीस लेंगे। हल्दी पाउडर। तो इस तरह से मसाला तैयार करेंगे, सरसों का मसाला। और ये टमाटर, आलू और धनिया पत्ता भी कट कर लेंगे। तो ये सब मसाले फ्राई होंगे तो उस टाइम इसे डालेंगे। तो आपको मन है तो आलू डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये ऑप्शन है। तो मुझे फिश में आलू पसंद है तो मैं आलू भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे मर्जी आप बना सकते हो। तो देखिए, पहले आलू फ्राई करेंगे, इसके बाद मसाले। तो देखिए, आलू फ्राई हो चुके हैं और यहाँ मसाला भी फ्राई हो रहा है, तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें टमाटर और आलू भी डाल दिया गया। तो अब हम पानी डालेंगे। तो देखिए, इसमें आप पानी डाल देंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और मछली को बाद में डालेंगे। जब ग्रेवी उबलने लगेगी तब मछली डालेंगे। और डालिए पनिया, और डाल दो सर। तो देखिए, ग्रेवी अच्छे से उबल रही है, तो इसमें अब मछली डालेंगे। तो इस तरह से सारी मछलियाँ डाल देंगे, और मछली डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं वरना मछली टूटने लगेगी। तो देखिए, फिश बनके तैयार हो चुकी है, फिश करी। तो इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे टेस्ट के लिए। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही बनाना, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।